आप लोग अपने उससे मेरी तस्वीरें ले लीजिएगा, अच्छा स्क्रीन की, क्योंकि वी आर लाइव नाउ पाकिस्तान न्यूज के तमाम व्यूअर्स को सलाम आदाब। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। और माह मुबारक जो कि अपनी हर सो अपनी रहमतें बरकतें बिखेर रहा है, डिजिटल रमजान की खुसूसी नशियात के साथ पता नहीं चल रहा इतना जल्दी जल्दी रमजान गुजर रहा है। आई रियली विश के आप लोगों को ये ट्रांसमिशन जिस तरीके से आपका फीडबैक हम तक मौसूल हो रहा है, आप लोगों को पसंद आ रही है, और इतना ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स जो आप लोगों की तरफ से हमें मिलता है। हमारी भी कोशिश ये होती है कि हम इंशाल्लाह ताला की तमाम क्वेरीज को, क्वेश्चंस को एड्रेस करते हुए बेस्ट से बेस्ट पैनल अपना जो है वो पैनल तारुफ आप लोगों के सामने करवा सकें। ब्रोशर्स आप देख चुके हैं। डेफिनेटली आज डिजिटल रमजान ट्रांसमिशन की फैमिली का जो पार्ट बनी है मिस नुसरत वाहिद साहिबा, किसी भी तारुफ की मोहताज से यकीनी तौर पर नहीं है। मेन स्ट्रीम मीडिया पर अपना तगड़ा मौकफ पेश करते हुए आपने देखा है उन्हें, और बड़ा ही स्ट्रॉन्ग स्टांस इनका अपनी पार्टी से रिलेटेड किसी भी स्टेटमेंट पे होता है, बड़ा ही क्लियर और बहुत ही वोकल। पर्सनली मेरी इनसे वाबस्तगी, मैं ये समझती हूँ कि एक दोस्ताना मेरा जो उनसे ताल्लुक है हमेशा बड़ा ही डाउन टू अर्थ रहती हैं और हमेशा ऑब्लाइज करती हैं जब भी उनसे वक्त मांगते हैं उनका मौकफ जानने के लिए, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल आस्पेक्ट के हवाले से हो या किसी भी लाइटर नोट पे जो है वो उन्हें कोशिश की जाए उन्हें इन्वाइट करने की, तो हमेशा उनका जो टाइम होता है, उनकी जो डेडिकेशन होती है बड़ी हमारे लिए जो है वो काबिले एहतराम होती है, प्राइसलेस होती है। जितनी माशाल्लाह उनकी स्माइल प्राइसलेस है, उतना ही माशाल्लाह उनका जो कीमती वक्त है हमारे लिए वो भी प्राइसलेस है। तो डेफिनेटली नुसरत वाहिद साहबा एमएनए है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, इसके अलावा जो सेंट्रल जॉइंट सेक्रेटरी रीजन सिंध है। आज का मौजू टॉपिक आप चूंकि आप देख चुके हैं, और थोड़ा सा इस आज के ट्रांसमिशन को स्टार्ट करने से पहले फॉर्मली हमने हर एस्पेक्ट का जाहिर इससे पहले जो पॉलिटिशियंस हमारी ट्रांसमिशन का पार्ट रह चुके हैं, मिस्टर नबील बोल साहब, शहजाद कुरैशी और दीगर फारुखदार साहब, बहुत बड़ा अच्छा सेशन हुआ था। हमेशा से हमने कोशिश की है कि थोड़ा सा पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स को ये कि परफॉर्मेंस क्या है मौजूदा हुकूमत की उस पर थोड़ी सी बात कर सकें, ऑपोजिशन का रोल क्या है उस पर थोड़ी सी बात कर सकें, कोविड-19 के इस सूरत हाल में अवाम के लिए क्या किया जा रहा है उस पर बात कर सकें। आज हमने इस एंगल को थोड़ा सा ट्विस्ट करने की कोशिश की है। आज हम पॉलिटिशियन की जो फ्रेटर्निटी है, यानी कि ये वो बरादरी है, यकीनी तौर पर हम इस वक्त फ्रंट लाइन वर्कर्स की बात कर रहे हैं कि डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, हमारा सिक्योरिटी स्टाफ है जो कि इस वक्त फ्रंट लाइन पर मौजूद है, जर्नलिस्ट इस वक्त फ्रंट लाइन पर मौजूद है। सिमिलरली इस वक्त जो पॉलिटिशियंस हैं जब वो कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाते हैं अपने हल्के को विजिट करते हैं, उन्हें भी बहुत सारे कोविड-19 में चैलेंजेस हैं, और खास तौर पर मैं हमेशा इस बात पर बड़ा जोर देती हूँ कि अगर खवातीन हैं तो डेफिनेटली वजूद-ए-ज़िंदा है तस्वीर कायनात में रंग, तो माशाल्लाह एज अ वुमेन आपने घर भी देखना है, एज अ वुमेन आपने इसकी होम और आपने वर्क फ्रॉम होम भी करना है, तो पॉलिटिशियन आप पर शायद जिम्मेदारी बहुत सारे कामों की बहुत ज्यादा आयद होती है, और फिर आपके मेन स्ट्रीम मीडिया में आकर टॉक शोज में का पार्ट बनकर और अपने मौकफ को वहां भी रिप्रेजेंट करना है। ये सारे काम नुसरत वाहिद साहिबा इस कोविड-19 की सूरत हाल में कैसे अंजाम दे रही हैं इस पर तो बात होगी, और माशाल्लाह इतनी स्ट्रॉन्ग जो पॉलिटिकल पर्सनालिटी हमारे सामने मौजूद है, तो कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा पॉलिटिकल सिनारियों को मद्देनजर रखते हुए उस हवाले से भी हम नुसरत वाहिद साहिबा का मौकफ जान सके, उनसे थोड़ी बहुत नॉलेज और आगाही ले सके। जी मुदसर, सो आई वुड डेफिनेटली वुड ओवर टू यू के अगर आप कुछ मजीद ऐड अप करना चाहें। माशाल्लाह काफी अच्छा इंट्रोडक्शन आपने दिया, और डेफिनेटली जिस तरह से आपने बताया हमारे व्यूअर्स को, नुसरत साहिबा जो है वो बहुत ज्यादा एलिगेंट और सीजन पॉलिटिशियंस है, मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली है, तो पाकिस्तान का एक हाईएस्ट इंस्टीट्यूशन होता है, वहां पे आपका मेंबर बनना किसी भी ऑनर से कम नहीं होता, और फिर वुमेन की रिप्रेजेंटेशन डेफिनेटली एक बहुत मीनिंगफुल होती है और इम्पैक्टफुल भी होती है, तो वुमेन्स अपना पार्ट रोल प्ले कर रही होती हैं, कुछ जगहों के ऊपर काफी अच्छा भी कर रही होती हैं, कुछ जगहों पे मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली में, मैं आपको बताऊँ पर्टिकुलरली एक असेंबली का मैं जिक्र करूंगा, 2008 टिल 2013 की जो असेंबली थी उसके अंदर जो 33% वुमेन कोटा पे जो वुमेन्स मौजूद थी उसमें से मेजोरिटी ने पूरे 5 साल में एक दफा किसी भी चीज के ऊपर एक लब कुशाई नहीं,
इतनी खामोश खवातीन मौजूद थी। नॉर्मली खातून खवातीन खामोश नहीं होती, लेकिन वो शायद कोई ऐसा दौर था, मामला ऐसे चल रहे थे, शायद उन्होंने इंटरेस्ट लेना या कुछ बोलना मुनासिब नहीं समझा। तो एक लिस्ट आई थी, उसके अंदर तकरीबन आप 80% वुमेन्स की लिस्ट थी जिन्होंने पूरे 5 साल के टेन्योर में किसी भी जगह पे माइक का इस्तेमाल ही नहीं किया था। तो ये भी था, लेकिन मैडम जो है वो इस तरह की नहीं है, मीडिया के ऊपर मौजूद होती हैं और अपनी पार्टी का बहुत अच्छा दिफा करती हैं। इंशाल्लाह आज कोशिश करेंगे यॉर्कर क्वेश्चन भी हो, बाउंसर्स क्वेश्चन भी हो, जहां पे वो लेफ्ट करना चाहें उसको लेफ्ट कर दें, जहां पे वो सिक्सर हिट करना चाहें तो वो मैडम। कैसी तबीयत है मैडम आपकी, खैरियत से? मैडम अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम में मल्टीपल पार्टीज का ऑप्शन अवेलेबल था, वाई पीटीआई आई। आपकी आवाज कट गई अचानक, अभी तक ठीक जी आ रही मैंने थी। कहा मैडम पाकिस्तान के सियासी मैदान के अंदर मल्टीपल पार्टीज के ऑप्शन थे, वाई पीटीआई। ओके शीतम नुसरत साहब, पूछ आपको लीजिए। क्या मेरी आवाज क्लियर है? चेक कर लेते हैं। कट रही, कट रही, कट रही। जी नुसरत साहब, क्या आपको अब मेरी आवाज क्लियर है? नहीं कट रही है, दोनों की आवाज कट रही है। अभी तक बिल्कुल ठीक आ रही थी जब अच्छा तक आप लोग बोल रहे थे खुद। अच्छा नुसर साहब, ये होगा कि फिर क्वेश्चन मेरा ख्याल है कि आप शायद इस स्ट्रीम का, तो आप हैंड्स फ्री अगर आप उतार के चेक कर सकें, इफ यू कैन रिमूव योर हैंड्स फ्री, तो मेरा ख्याल है कि ये कुछ मसला फिर बेहतर हो मैडम आप सकता है। लीव करके अगर दोबारा आ जाएं तो ठीक रहेगा। आई थिंक आपके पास कोई कॉल आ गई है पीछे, उस इसलिए प्रॉब्लम। जी, लीव कर दें आप। अच्छा जी, ऑलराइट डेफिनेटली वो किसी से बैकहैंड पे कॉल आती है ना अक्सर, बेशतर कोई व्हाट्सएप पे या एयरप्लेन मोड पे, तो आपकी वॉइस इस तरीके से निकल जाती है। पाकिस्तान में मुशर्रफ एरा में बाकायदा तौर पे पार्लियामेंट के अंदर एक कानून साजी की गई और 2002 में पहली दफा असेंबली में 33% कोटा फिक्स किया गया खवातीन की रिप्रेजेंटेशन का। इस रिप्रेजेंटेशन का कोटा फिक्स करने का बुनियादी जो मकसद था वो ये था कि खवातीन अपनी आवाज पार्लियामेंट तक पहुंचा सकें और जो कानून साजी का इदारा है पार्लियामेंट, पर्टिकुलरली नेशनल असेंबली, वहां पे खवातीन के रिलेटेड मैक्सिमम बिल्स को ला सके। बहुत काम हुआ है, लेकिन बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्ट्री काम नहीं हुआ, जिसकी बुनियादी वजह कुछ अशराफिया का उस कोटा के ऊपर जो है वो इन्फ्लुएंस होना है। मैक्सिमम सेनेटर साहब, मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली के घर की बहू बेटी, अगर कोई एक्सटेंडेड फैमिली में कोई मौजूद है, कोई जानने वाला है, तो ज्यादातर ये कोटा उन्हीं लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हुआ जो एक रियल वुमेन पॉलिटिकल वर्कर थी, उसकी तादाद कम है। ऐसा नहीं है कि मैं कहूँ कि नहीं, जैसे लाइक शैलजा साहिबा हैं, किसी भी बिग अशराफिया से ताल्लुक नहीं रखती, वो एक पॉलिटिकल वर्कर थी, उनको मिला। इसी तरह से काफी और खवातीन है जो आई हैं, लेकिन अगर आप लिस्ट निकालें पर्टिकुलरली नेशनल असेंबली के अंदर, उसके अंदर तो ज्यादातर आपको 70-80% वो लोग नजर आएंगे जो कि कनेक्शंस वाले थे, इस वजह से वो नेशनल असेंबली बन सके। तो ऑटोमेटिकली जब वो आवाम के साथ रिलेट नहीं कर रहे होते और आवाम के साथ मौजूद नहीं होते, तो जो आवामी मसाइल है उनके ऊपर वो गुफ्तगू नहीं फरमा पाते। नतीजा ये निकलता है कि आपकी जो तब्दीली का अंसर होता है वो नजर नहीं आता, आपकी पॉलिसीज, उसकी इम्प्लीमेंटेशन, उसके अंदर वो चीज नजर आती है। जब तक आप आवाम का दर्द नहीं रखते, आप वो चीज महसूस नहीं करते जो आपको डेली ट्रांसपोर्ट के, अगर आप एक आज एंकर बनी है, लेकिन अगर आज से 5 साल पहले आप एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर रही होती, तो आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट के चैलेंजेस पता होते। फिर जब आप उसी तरह नेशनल असेंबली पहुंचते हैं, तो आपने अपनी जिंदगी का कुछ हिस्सा पब्लिक ट्रांसपोर्ट में गुजारा हुआ होता है, लेकिन अगर आप डे वन से किसी एक बड़े लेबल वाली फैमिली का हिस्सा है, तो डेफिनेटली आपने ना चूल्हा देखा है, ना ग्रोसरी देखी है, ना महंगाई का प्रॉब्लम देखा है, ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट देखी है, ना पानी के मसाइल देखे। ये तो आपकी फैमिली में सब कुछ पूरा हो जाता है। नतीजा ये निकलता है कि जो प्रोग्रेस हमें चाहिए होती है, जो तरक्की हमें चाहिए होती है, अनफॉर्चुनेटली वो हो नहीं पाती। तो आई थिंक शिरीन आप जो है वो दोबारा उनसे कॉन्टेक्ट कर लें कॉल के ऊपर और जी चेक कर लें कि वो बिल्कुल, लीव कर। मैंने उनसे कहा था कि वो लीव करके जो है वो दोबारा मेरे ख्याल है कि अगर हमें ज्वाइन कर लेंगे, और बाकी जहां तक आपकी बात है, आई वुड डेफिनेटली सेकंड योर पॉइंट के अवामी मसाइल का तदारुक तभी मुमकिन है जब आप अवामी मसाइल अवाम में रह कर उनके मसाइल जो है वो जान सकें। एंड आई एम ग्लैड वैसे कि आपके बहुत पास सारा भी राइट है, आपका एज है। बीइंग मैं खवातीन पे अगर थोड़ी सी क्रिटिक कर रहा हूँ उनके रोल के ऊपर, तो राइट है, आप चाहें तो मुझे बिल्कुल तनकीद कर सकते हैं। जी जी, इस्लामिक।
जी मैडम, अब आवाज क्लियर है आपको? जी अब आ रही जी, अच्छा जी मैडम, मेरा बोलिए सवाल ये था कि बोलिए। पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम में मल्टीपल पार्टीज का ऑप्शन अवेलेबल था, वाई पीटीए, क्यों चूज किया आपने पीटीए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका आपने प्रोग्राम में मुझे इन्वाइट किया। देखिए, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी उस वक्त, जिस वक्त मैंने ज्वाइन किया था, उस वक्त बेनज़ीर साहिबा शहीद हो चुकी थी और मैं इस्तांबुल में थी, और वहाँ पे बीइंग अ डिप्लोमेटिक प्रेसिडेंट, आई वाज डिप्लोमेटिक प्रेसिडेंट ऑफ इस्तांबुल, तो जो बातें सुनने को मिलती थी आप सोच नहीं सकते कि वो किस कदर एम्बेरसिंग होती थी, कि मिस्टर 10% ने अपनी बीवी को मार दिया, मर्डर कर दिया। मतलब आप यकीन कीजिए कि उसके बाद 2-3 महीने हम किसी रिसेप्शन पार्टी में गए ही नहीं, सिर्फ इसलिए कि इतनी एम्बेरसमेंट आपको फेस करनी पड़ती थी। फिर मेरे हस्बैंड ने 1 साल अपना कर्टेल किया और हम वापस पाकिस्तान आ गए, क्योंकि उनका ख्याल ये था कि अब पाकिस्तान को ज़रूरत है सिंसियर लोगों की। और इस जब पाकिस्तान में वापस आई तो मैं कुछ नहीं कर रही थी, उससे पहले मैं लेक्चरर थी इंग्लिश के F74 कॉलेज इस्लामाबाद में, और फिर उसके बाद हम इस्तांबुल चले गए। वापस आके मैं कुछ नहीं कर रही थी, तो मेरा बेटा उन दिनों पढ़ रहा था बाहर, और वो पीटीआई के लिए बहुत काम कर रहा था। स्टूडेंट्स, आपको पता है, बहुत जज्बाती होते हैं, बहुत फंड रेजिंग और ये वो सब। तो उसने मुझे कहा कि अम्मा, डोंट वेस्ट योर सेल्फ, गो एंड ज्वाइन पीटीआई। और ख़ुद भी मुझे ये था कि एक ऐसी जमात, एक ऐसा लीडर जो खुद करप्ट ना हो, जिसके ऊपर कोई इल्ज़ाम ना हो इस तरह का, उसको ज्वाइन करना चाहिए, उसका हाथ मजबूत करना चाहिए। और इस तरह 2009 में मैंने ज्वाइन किया, और उस वक्त से लेके आज तक जितना काम मैंने सिंध में किया है, मैं क्लेम कर सकती हूँ किसी किसी दूसरी औरत ने नहीं किया होगा। रीजन मेरा ये था, सिंसेरिटी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं मतलब अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे बहुत इंटेलिजेंट और बहुत आगे जाने वाले मटीरियल है। तो वो बैरिस्टर है माशाल्लाह, इस वक्त उस वक्त लॉ पढ़ रहे थे, तो वो बहुत समझदार था। मतलब कई दफ़ा ऐसे लगता है कि मेरे काउंसलर मेरे बच्चे हैं, मुझे बाहर जाने की बात नहीं होती। जैसे कभी ज़ाहिर है पॉलिटिक्स है, बहुत अप्स एंड डाउन्स होती हैं, जब आप डिप्रेशन में हैं तो किससे बात करें, ज़ाहिर है आप अपनी पार्टी में नहीं कर सकते बात, किसी और से बात नहीं कर सकते कि ऐसी तरीके स्कैंडल बनेंगे क्या बनेंगे, तो बच्चों से बात करती हूँ मैं। और वो इतनी अच्छी एडवाइस दे रहे होते हैं टाइम्स के, मुझे खुद हैरत होती है कि मैं जैसे छोटी सी बन जाती हूँ और वो बड़े बिल्कुल बन के और मुझे समझा रहे होते हैं। तो बच्चे हमसे, वैसे भी पता है हमारी जो जनरेशन थी ना, वो एक जनरेशन अपने पेरेंट्स से आगे थी, ये जो बच्चे हैं ये कम से कम 10 जनरेशन आगे हैं। इस कदर समझदार और इतने इंटेलिजेंट माशाल्लाह कि एट टाइम्स लगता है कि जैसे हमें कुछ नहीं पता और इन्हें सब कुछ पता है माशाल्लाह। क्या इस वक्त जो है वो उनके इस COVID-19 में परफॉर्मेंस उनकी जो है वो कैसी है, और आप क्या समझते हैं कि जो हिकमत अमली मुरतब की गई है क्या वो ठीक है, या फिर उनको मजीद इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है? और आज तो चीफ जस्टिस साहब की जानिब से भी अहकाम आ चुके हैं कि मॉल्स जो है वो रीओपन कर दिए जाए, बड़े वाजे अहकाम। तो आप जो वो विफाक इस फैसले को किस नज़र से देखती है? फिर आवाज कट रही है आपकी बहुत ज्यादा। मुझे जो समझ आया है ना, वो ये कि आपने पूछा है कि COVID-19 में पीटीआई की क्या प्रॉब्लम है, आप लोग इसके लिए जी क्वेश्चन था। जी तो मैं आपको बताती हूँ कि इसमें देखिए, जिस तरह आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर ने कितना ज्यादा रिलीफ दिया है, जो पैसे 1 महीने के वो उन्होंने 3-3 महीने के दिए कि हाथ तंग ना हो, वो अपने लिए चीजें लेके घर में, घर में उसके बावजूद गुर्बत जब इतनी ज्यादा है और आप कुछ कर नहीं सकते उस गुर्बत को खत्म करने के लिए, तो फिर उन्होंने थोड़ा सा उसको जो कर्फ्यू टाइप चीज लगाई, घर से बाहर निकले उसको थोड़ा सा रिलीफ दिया है, लेकिन प्रिकॉशन के साथ ऐसे। लेकिन हमारे यहाँ मुश्किल ये है कि जब आपको आजादी मिलती है तो आप भूल जाते हैं कि ये एक्चुअली आप
अपने लिए कर रहे हैं, अपनी फैमिली के लिए कर रहे हैं, गवर्नमेंट के लिए नहीं कर रहे। आप जो प्रिकॉशन ले रहे हैं, जो आप जो जो चीज़ें एहतियात कर रहे हैं, जो आपको कहा गया है मास्क पहनने का या हाथ धोने का, ये आप अपने लिए अपने खानदान कर रहे हैं। जब आप बाहर निकलते हैं और बाहर निकल क्राउड हो जाते हैं, जैसे आपने देखा शॉपिंग सेंटर्स में किस तरह रश हो रहा है कि वहां पे वो देख के हंसी आती है कि ये गरीब मुल्क है, ये गुर्बत के लिए रो रहे हैं। 3 दिन में कोई करोड़ की शॉपिंग हुई है पूरे पाकिस्तान में, इस कदर लोग निकले हैं शॉपिंग करने, और इस तरह उन्होंने गदर मचाया है कि उनको बिल्कुल किसी को ख्याल ही नहीं है कि उसने प्रिकॉशन लेनी है, उसने अपने आप को नहीं अपने घर वालों से लाए। तो पीछे की गवर्नमेंट अपनी तरफ से जो कर रही है वो बहुत ज्यादा है। अब यहाँ कराची का मैं आपको हाल बताऊँ, हम एमएनएस ने मिलके शायद ही कोई इलाका ऐसा सीखा जहाँ पे हमने फूड पैकेट्स ना दिए हों, पका हुआ खाना तक इवन दिया है। जो पैकेट्स दिए हैं महीने के, रमजान के, राशन के, वो तो अलग है, लेकिन पका हुआ खाना तक जाके डोर टू डोर दिया है और एहतियात किया है। आपने आज भी खुर्रम शेजवान को देखा होगा कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, इतना इतना बांटा है इन लोगों ने कि पीपल्स पार्टी या किसी और से हम सोच भी नहीं काम करेंगे, क्योंकि यहाँ बात तो गवर्नमेंट की नहीं है, यहाँ पे बात सिंसेरिटी की है, यहाँ पे बात हमदर्दी की है, मोहब्बत की है जो लोगों से है। अगर पुरानी हुकूमतों की अगर बात की जाए, अगर उनको थोड़ा सा भी एहसास होता गुर्बत का लोगों का, तो वो बहुत हालात बेहतर कर चुके होते। इतना पैसा मिला है, अभी 12 अरब रुपए इनको मिले हैं कि जी 1 अरब 20 करोड़ रुपए मिले थे कि आप ये लोगों को रिलीफ फंड में। उन्होंने क्या किया कि वो कहते हैं हमने किया कि अगर सारी पैकेट्स बनाते ना तो 37 लाख पैकेट्स बनते। वो कहाँ से खरीदे गए, किसको दिए गए, कौन से ट्रक्स में लादे गए, किसके घर पहुंचाए गए, कुछ नहीं। हमेशा की तरह यही हुआ कि उन्होंने वो पैसा गायब कर दिया, गरीब लोगों तक पहुंचा ही नहीं है। वही गुर्बत, वही हॉस्पिटल्स की हालत, वही तमाम चीज़ें वहीं की वहीं हैं। कोई हमदर्दी का आंसर नहीं है। जब तक हमारे अंदर दूसरों के लिए हमदर्दी नहीं होगी, जब तक हमारे अंदर से इंडिफरेंस नहीं निकलेगा, हम कुछ नहीं कर सकेंगे। अब बताइए आपका क्या क्वेश्चन था अगला। मैडम आपको आवाज आ रही है? मैडम आई थिंक स्क्रीन फ्रीज हो रही है, आपको आवाज आ रही है? मुझे आवाज नहीं आ रही है आप लोग ये। जी, असल में वही अगेन कॉलिंग का इशू है, इंटरनेट कनेक्टिविटी का। पीटीआई की परफॉर्मेंस के ऊपर जो ओवरऑल बात हो रही है, तो जहां पे बहुत सारी तनकीद है, तो तनकीदी पहलू बहुत सारे हैं जो पीटीआई पे दिया जाते हैं। असल में मसला ये होता है कि शीरीन, ये इंसान की फितरत है कि अगर आप होप को बहुत ज्यादा हाईलाइट कर दो और आप चेंज, तब्दीली का नारा लेके एंटर हो, तो अगर आप वो तब्दीली नहीं दे पाओगे तो आपको सेटबैक ज्यादा मिलेंगे, आपको तनकीद का निशाना ज्यादा मिलेगा। आपने वोट फॉर चेंज किसकी बुनियाद पर लिया था? आपने 30 साल से इस मुल्क पे हुक्मरान जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की कयादत के खिलाफ जो आपने बातें की कि जो उनके मसाइल थे, तो आपको वोट मिला था उसकी रिएक्शन का। तो जब रिएक्शन था तो फिर आपके एक्शंस बड़े प्रो नजर आ जाए। जो जिस वे में इन्होंने किया, तो कुछ महाजों पे, जैसे लास्ट टाइम पे मैं हुमा बकाई साहिबा के साथ जब था पैनल में, तो उन्होंने कहा कि मैं इमरान खान को ये क्रेडिट जरूर देती हूँ कि उसकी फॉरेन पॉलिसी ने इस्लामोफोबिया के अगेंस्ट पे और दूसरी चीजों के पर पाकिस्तान का इंटरनेशनल इमेज इम्प्रूव किया है। वो महाज जहाँ पे पाकिस्तान की बिल्कुल आवाज सुनी नहीं जा रही थी, वहां पे बात हुई है। ये बात एक अलग बात है कि दुनिया के इंटरेस्ट जो है, मुस्लिम ममालिक हों, मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हों, उनके इंटरेस्ट जो है वो इंडियन इकोनॉमी के साथ इंगेज हुए, इसलिए वो मोदी की जबान बोलते हैं, मोदी के साथ चलते हैं। लेकिन हमने अपना नैरेटिव इमरान खान की शक्ल में यूनाइटेड नेशन के अंदर भी स्ट्रॉन्गली प्रेजेंट किया। अमेरिकन जो 2015 और 16 में बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे, इमरान खान के आने के बाद 18 और 19 में वो आपकी बात सुन रहे हैं, उनको समझ में आ रही है। लेकिन क्योंकि फॉरेन अफेयर्स के अंदर इकोनॉमी जो होती है उसके अंदर इंटरेस्ट बहुत होता है, कंट्रीज के जो फैसले होते हैं वो जज्बात और इमोशंस पे नहीं होते। कंट्रीज हमेशा फॉरेन पॉलिसी का बुनियादी होता है कि आपके मुल्क के मफादात जहां जहां मौजूद, अब दुनिया के जिस जिस कोने में हमारे मुल्क के मफादात मौजूद होंगे, हमारी खारजा पॉलिसी उसके साथ हम आएंगे। हमारी खारजा पॉलिसी की जो टॉप नुकात है उनमें कश्मीर है,
हम किसी भी सूरत में, किसी भी शक्ल में, किसी भी फॉर्म में अपने मजलूम कश्मीरी भाइयों का साथ नहीं छोड़ सकते। अट्रॉसिटीज चल रही हैं, पूरी दुनिया को अट्रॉसिटीज नजर आ रही हैं। 378 आपके सामने अपलेफ्ट हुआ और उसका जो स्टेटस था 70 साल से उसको तब्दील कर दिया। इवन उनका पास एक जो फिफ्थ जनरेशन है वो पूरी 100 करोड़ के इंडिया को पावर करा रहे हैं कि मोदी सरकार जो है ये बिल्कुल ठीक कर रही है, हम जो कश्मीर में कर रहे हैं हम अपने आप को सेव कर रहे हैं, लोगों का जहन साजी की जा रही है। तो ये जो फिफ्थ जनरेशन है बहुत खतरनाक जनरेशन है, तो हमें अपने क्लियर ऑब्जेक्टिव पता होने चाहिए और हमें अपनी लाइन्स क्लियर होनी चाहिए कि हम किसी कंफ्यूजन का शिकार ना हो व्हेन एवर वी टॉक अबाउट कश्मीर, व्हेन एवर वी टॉक अबाउट इंडिया। आज आप इंडिया के मीडियाज को दुनिया में लोग कॉपी करने के कहते हैं कि जी वो हमसे आगे, किस बात के हमसे आगे? जर्नलिस्ट, जर्नलिज्म आपने पढ़ी हुई, आपको जर्नलिज्म की स्टूडेंट रही हो, आपको जो बेसिक प्रिंसिपल्स बताए गए हैं जर्नलिज्म के, आप उनके अर्नाब का प्रोग्राम देख लो, आप किसी के भी प्रोग्राम टॉक शोज देख लो, उसमें किस जगह पे, वहां पे तो सामने वाले को बोलने ही नहीं दिया जाता, शट अप कॉल दी जा रही है, एग्जैक्टली माइक बंद कराया जा रहा है, कोई आवाज कर, मतलब आपने प्रोग्राम में बुलाया तो सिर्फ आप सुनना चाहती हैं वो एजेंडा जो लव्स आप मेरे मुंह में डाल, जिसके अंदर मैं वाह वाह करता रहूं मोदी की ये चीजें करता रहूं। दीज आर द थिंग्स जिसके साथ हमें इंटरनल खतरात भी हैं और एक्सटर्नल भी। एक्सटर्नल वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर आपके सामने इश्यूज चल रहे हैं, ईस्टर्न बॉर्डर पे इंडिया के साथ इश्यूज हैं, सिर्फ आपके पीसफुल दो ही बॉर्डर हैं, एक थोड़ा ईरान का बॉर्डर जो कभी नरम गरम होता रहता है, बाकी आपका चाइना का फ्रेंडली बॉर्डर है। तो दीज आर द इश्यूज दैट वी आर कंटिन्यूसली फेसिंग और विद इन अ कंट्री इश्यूज रहे हैं बहुत सारे, आप बताइए इसके अंदर। बिल्कुल मुदस्सर, आपने बड़ा अच्छे से आइडेंटिफाई किया कि अचीवमेंट्स इस हुकूमत की क्या रही है। डेफिनेटली जहाँ तक हम फॉरेन रिलेशंस की बात करें तो वहाँ पर सिर्फ हमने पाकिस्तान के लिए ही नहीं बल्कि हमने अफगान तालिबान के लिए बहुत सारी टॉक्स, बहुत सारी जो है वो अनटेबल टॉक्स जो कि होल्ड की है, उसका एजाज जो कि पाकिस्तान को डेफिनेटली इस पीरियड में हासिल है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस वास्ते क्रेडिट जाता है। तो यकीनी तौर पर बहुत सारी बातें जो इनिशियल लेवल पर आपने अपनी गुफ्तगू में कही कि जहाँ तक हम इस बात का जिक्र करते हैं कि होप्स बहुत ज्यादा थी, तो शायद अब जब उन होप्स को हम मीट आउट नहीं कर पा रही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो एक डिसअपॉइंटमेंट लेवल भी देखने में आ रहा है, जिसे बहुत सारे एमएनएस जब भी इनसे बात होती है तो उनका अपना मौकफ वो ये देने की कोशिश करते हैं कि हमारे साथ कुछ नेचुरली चीजें इस तरीके से हैपनिंग हुई हैं। लेट मी बी वेरी क्लियर अबाउट इट कि नो डाउट इमरान खान हैज मेड हिमसेल्फ वेरी क्लियर ऑन द पॉइंट ऑफ कश्मीर एज वेल, जो उनकी मीटिंग भी हुई थी प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ, वन ऑन वन मीटिंग, और उसमें सिर्फ एक बार नहीं बल्कि दौरे अमेरिका में मुसलसल 3 बार ट्रंप की जानब से इस मौजू पर सालसी की पेशकश की गई। सो दिस इज नॉट वेयर दिस डिबेट एंड्स, बल्कि कश्मीर जितना कॉम्प्लिकेटेड मौजू है इतना, मतलब इसमें आपकी दीगर OIC आपकी जो है वो गायब है इस वक्त, दीगर इस्लामी ममालिक की भी इन्वॉल्वमेंट इसमें इतनी ही जरूरी है। सी, अब हम बड़ा इस बारे में डिबेट करते रहे हैं कि कश्मीर एक बड़ा मुतनाज़ा मामला रहा है, वहीं भारतीय जारियत भी साथ साथ चलती आई है। हम जो है वो इस बात को भी नहीं बोल सकते कि अभी भी मुसलसल लहर ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी जो कि भारत करता आ रहा है। तो बहुत सारे वो मौजूद, बहुत सारे वो एस्पेक्ट्स जिन पर मौजूदा हुकूमत को डेफिनेटली चैलेंजेस हैं। एंड नुसरत वाहिद साहब हमारे साथ एक बार फिर मौजूद हैं। नुसरत साहब, आपको आवाज आ रही है हमारी? जी हमारी, थैंक यू। ओके, दैट्स ग्रेट। सो नुसरत साहब जी, मुदस्सर आपको चैट करना चाह रहे हैं। जी, आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है मैम? जी, आपके लिए आ रही है। मैम, क्योंकि आप नेशनल असेंबली की मेंबर, डेफिनेटली पूरी DPI की परफॉर्मेंस के ऊपर आप बात कर सकते हैं, आपको डोमेन सिस्टम का या कराची का नहीं है। तो सवाल ये मेरा है, नजर इतनी तनकीद हुई आपकी जमात के ऊपर, इतने मसाइल हुए, इनिशिएट भी आपकी गवर्नमेंट का था, आपने स्टार्टअप में उसको जंगला बस करार दिया, लेकिन फिर आखिरकार आप BRT पिशावर का फैसला करें। अब ये बताइए, पहला टेन्योर कंप्लीट हो गया, दूसरे टेन्योर के 2 साल यानी कि आप ऑलमोस्ट अपना हाफ सफर पूरा कर चुके हैं, ऑलमोस्ट नॉट कम्प्लीटली, 1.5 साल आप लगा लें कम्प्लीट हो चुके हैं। तो मैडम, BRT इतनी तनकीद के बावजूद, इतना सब कुछ के बावजूद क्यों नहीं पा रहा? क्या मसाइल है? क्या टेक्निकल इंजीनियरिंग इशूज है उसके? क्या इशू है? करप्शन है? क्या मसला? नहीं, बिल्कुल सही आपने कहा, टेक्निकल इश्यूज हैं इसमें।
क्योंकि जो सड़क बनाई गई थी वो उस बस के हिसाब से नहीं थी, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी करनी पड़ी जो कि आपको पता है कि रीडू करना कोई आसान काम नहीं होता इस तरह की चीज़ों के ऊपर। करप्शन का जो इल्ज़ाम लग रहा है वो करप्शन हुई नहीं है एक्चुअली, वो डॉलर की कीमत में चेंज होने की वजह से कीमत कहीं से कहीं चली गई है, लेकिन एक्चुअली करप्शन हुई नहीं है उसमें। वो आस्ता आस्ता सबको पता चल जाएगा कि जो लोग उसको हैंडल कर रहे हैं वो लोग करप्ट नहीं है। ये एक ऐसा टेक्निकल इशू हुआ जो जिसे कहते हैं ना, जो आपकी जड़ों में बैठ गया जाके, कि वो चीज़ सॉल्व हो ही नहीं रही। कितनी दफ़ा उसको कहीं से तोड़ते हैं, कहीं से ठीक करते हैं, कहीं से कुछ करते हैं, लेकिन वो चीज़ हो नहीं पाती उस तरह। तो इसमें मतलब अभी करप्शन से नहीं है। इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव से प्रोफेशनल नेगलिजेंस जो हुई है इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव से, उसके अंदर अकाउंटेबिलिटी पे किसी को मरुदे इल्जाम ठहराए गए? बिल्कुल ठहराएंगे। अगर देखें गलती पकड़ी गई किसी की जो हुई, आपने देखा है कि अभी भी हमारे पॉलिटिशियंस न सिर्फ अपने बल्कि दूसरी पार्टीज के सबको नैब पकड़ रही है। अगर नैब समझेगी कि ये इस तरह की गलती हो रही है यहाँ पे और इसको पकड़ना चाहिए, तो वो जरूर पकड़ेंगे और उसका हिसाब किताब भी होगा। मैडम, 1.5 अच्छा, ईयर मुझसे बात गुजर करो, आपने गए नैब आपके। का जिक्र किया, सरदार अकबर साहब और अपोजिशन रहनुमाओं में काफी एक सर्द जंग इस वक्त चल रही है नैब के नाम के हवाले से। वो कहते हैं कि जी सरदार अकबर साहब तो ना नैब के तर्जुमान बने बैठे हैं। तो नसर साहब, जरा ऑन लाइटर नोट इस चीज को क्लियर कर दें कि जो है वो आपकी पार्टी को कैसे पता चल जाता है पहले से कि किसके हवाले से केस बन रहा है, कौन जेल जाने वाला है, और जेल भरो तहरीक की जानिब शेख रशीद आज पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में इशारा दे रहे थे। देखिए, ये बिल्कुल भी इसमें कोई अचंभे की बात नहीं है। मैं जो बहुत ज़्यादा अवेयर नहीं हूँ अंदर की पॉलिटिक्स से, लेकिन उसके बावजूद ये आप ऐसे कह सकते हैं कि इट्स रिटन ऑन द वॉल, कि नज़र आ रहा होता है कि अच्छा अब ये इंसान ये वाले काम करने लगा है, अब ये काम कर रहा है, अब इसके ऊपर ये चीज़ होने वाली है। तो इसमें कोई ऐसी अचंभे की बात नहीं है, वो लोग तो ज़ाहिर है डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं इसमें, वो नैब में पहले भी थे और अभी भी नैब के साथ काम कर रहे हैं, तो उसमें कोई ऐसी वो नहीं है कि। और शेख रशीद साहब की जहाँ तक बात है, वो तो पेशनगोई करते रहते हैं हमेशा से, आपको पता है सियासत में अच्छे खासे मशहूर हैं वो पेशनगोई करने के हिसाब से। तो उनकी बात को बस ठीक है, जो उन्होंने कह दिया ठीक हो जाएगी तो ठीक हो जाएगी, नहीं तो नहीं। ऐसी बात नहीं है, ये मैडम, इट्स रिटन ऑन द वॉल, हर एक को समझ आ रही होती है कि अब क्या होने वाला है। उसमें कोई बोल देता है, कोई वोकल हो जाता है, कोई नहीं। अच्छा मैडम, ये नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम में जो 50 लाख घरों का ऐलान है, 3 साल रह गए हुकूमत को, बनेंगे? देखिए, मैं 50 लाख की तो बात नहीं करती, लेकिन काम शुरू हो गया। ये एक ऐसा नहीं है कि कहीं किसी ग्राउंड में गए और जाके ईंटें रख दी और मकान बनाना शुरू हो गया। इसके लिए बहुत ज़ाहिर प्लानिंग की ज़रूरत होती है और वो प्लानिंग की गई, इन 2 सालों को ज़ाया नहीं किया गया उसमें, वो सारी प्लानिंग की गई है और अब माशाल्लाह वो चीज़ें इस्टेब्लिश होना शुरू हुई हैं। अब आपने देखा है कि खान साहब ने सबसे पहली इजाज़त ही ये दी कि कंस्ट्रक्शन कंपनीज को इजाज़त दी जाए, ताकि वहाँ पे एसओपीस का ख्याल रख के कंस्ट्रक्शन शुरू। तो ये एक बहुत अच्छी पॉजिटिव चीज का स्टार्ट हुआ है, जिससे आपको पता है 40 सनअतें काम करेंगी उसमें। जब 40 काम करेंगी तो मुल्क का पहिया चल पड़ेगा। और अब मैं ये नहीं कहती कि 50 लाख सारे के सारे बन जाएंगे, लेकिन अगर हमने इसका इनिशिएटिव ले लिया और बनने शुरू हो गए और कुछ लोगों को हैंडओवर भी हो गए, तो एक बहुत बड़ा मेरे ख्याल में बड़ी अचीवमेंट हो। बाद में गवर्नमेंट आती है वो उसको कंटिन्यू करेगी, तो होगा नुकसान तो उसी। यहाँ पे सारा काम नीयत का है, और मैं समझती हूँ कि इस्लाम वाहिद वो मजहब है जो कहता है कि आप नीयत करते हैं और आपको उसका सवाब मिल जाता है, और गुनाह जब तक नहीं करते आपको उसकी सजा नहीं मिलती। तो ये नीयत है खान साहब की कि गरीबों की हालत को बेहतर किया जाए, आपके वजीर आजम की, मेरे वजीर आजम की, कि गरीबों की हालत को बेहतर किसी ऐसे तरीके से। आई गेस नोसर साहब, आपको आवाज क्लियर है, राइट? वीडियो हैंग हो रही है मिस नोसर साहब की। जी मुदस्सर, आपको मेरी आवाज क्लियर है? जी, मुझे आवाज आपकी क्लियर है। आवाज आ रही है।
नसर साहब, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो जाना मैं ये आपसे चाह रही हूँ कि डेफिनेटली चूंकि आप सेंट्रल जॉइंट सेक्रेटरी भी रह चुकी हैं वेस्ट रीजन की, थोड़ा सा ये है कि अदर देन आवाज नहीं आ रही, ठीक नहीं आ रही, कट कट के आ रही है, जैसे पहले आपके साफ आवाज आई थी ना, उस तरह नहीं आ रही, अब चेक कर लें, अब आपको मेरी आवाज आ आवाज रही नहीं है? आ रही बिल्कुल। आई गेस कि फिर आपको दोबारा से ये जो है वो स्ट्रीम लीव करके और दोबारा ज्वाइन करना पड़ेगा। क्या आपको आवाज क्लियर आ रही है अब? जी उस्ताद, आपको आवाज आ रही है? क्या आप हमें सुन पा रही हैं उस्ताद? आई थिंक आई गेस आपको कि आपको आवाज दोबारा नहीं आ रही, लीव करना होगा, फिर आपको रीज्वाइन करना होगा ताकि इंटरनेट जो है वो अच्छा स्ट्रीम कर अच्छा सके। दे दें ताकि वो, नहीं आवाज नहीं आ रही, कट के आ रही है, दोनों की आवाज कट के आ रही है, बिल्कुल मेरे मुझे समझ नहीं आ रही। आई थिंक शिवी, इट्स बेटर कि आप इनको ना कॉल के ऊपर क्वेश्चंस बता दें, फिर ये बोल, क्योंकि हमें तो इनकी आवाज आ रही। अच्छा राइट नाउ आई एम नॉट श्योर इफ शी इज बीइंग लॉग इन विद द सेम फोन और नॉट, बट मेरा ख्याल है कि एक बार फिर चेक कर लेते हैं। नुसरत साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? आई गेस कि आपको जब नहीं, स्क्रीन को लेफ्ट करके दोबारा से आप रीजॉइन कर लें। कुछ क्वेश्चन ये है कि फिर मैं आपको जो है वो सेंड कर देती हूँ ताकि आप उसे एड्रेस कर सकें, लेकिन आई गेस की मदद से वो भी इट वुड बी अ प्रोसेस के। जी नुसरत, आवाज नहीं आ रही, बिल्कुल आई नहीं रही आवाज मुझे, स्क्रीन पे लिखते हैं आपको शायद समझ आ जाए। वैसे इस तरीके से बात का खैर तसलसल तो बरकरार नहीं रहता जी। मुदस्सर, अगर आप कुछ ऐड अप करना चाहें या कुछ एक्सपर्ट मार्केटिंग एक्सपर्ट ओपिनियन अगर आप देना चाहें इस पर, सोशल मीडिया एक्सपर्ट नहीं, मैं आपको बिल्कुल यही समझा, जी, मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट सीमलेस नहीं है, कनेक्टिविटी जो है वो ड्रॉप आउट हो जाती है, आप लिंक के ऊपर मौजूद होते हैं, बात आते आते लोगों को आवाज या वीडियो आना बंद हो जाती है, तो ऐसे सिस्टम्स के अंदर लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाती है कि वो जो है वो किसी भी तरीके से दोबारा इन चीजों को देख सकें और अपना भीतर काम कर सके। तो एक मसाइल है पाकिस्तान में, और COVID-19 में हम जहाँ बहुत सारे मसाइल में बात करते हैं, वहां पे इंटरनेट कनेक्टिविटी के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए लोगों को, क्योंकि अच्छे कनेक्शंस मौजूद होते हैं, लोग लगाए हुए होते हैं, डेफिनेटली मैम पेइंग अ लॉट, बट स्टिल जो डाटा है वो प्रॉपरली नहीं लेके जाया जा रहा, और ये वाले इश्यूज आते हैं। इंशाल्लाह जैसे हमें रीज्वाइन करेंगी तो ये वाले जो इश्यूज हैं ये नजर नहीं आए। सो दीज आर द थिंग्स नाज़रीन, जिसपे हमारी बातचीत चल रही थी और हम बात कर रहे थे, तो इसी तरह से गुफ्तगू का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा, और आप जो है जो भी आपके कमेंट्स हैं, जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है अगले टॉपिक्स के हवाले से, अभी हमें कुछ एक दो सोशल सेक्टर्स को भी कवर करना है जिनको हम अपकमिंग प्रोग्राम्स के अंदर कोशिश करेंगे कि उनको हम कवर करें। एजुकेशन का सेक्टर बहुत ज्यादा है, हेल्थ के ऊपर हमें बात करनी है, मैनेजमेंट के रिलेटेड बात करनी है। आज आपके सामने सुप्रीम कोर्ट का एक क्लियरली डायरेक्टिव आया है, क्लियर ऑर्डर आया है कि तमाम मार्केट्स पाकिस्तान में खोल दी जाए, मॉल्स को खोल दिया जाए, तो लेट्स सी कि अब क्या होता है। लेकिन इन सारी गुफ्तगू के बाद आई पर्सनली फील कि हमें जो है वो बिल्कुल ही फोकस करना चाहिए कि हम जो है उस हर सूरत में जो SOPs गवर्नमेंट दे रही है जो COVID-19 के रिलेटेड है उसको हम जरूर लेके चले। दो सकलैन के क्वेश्चंस हैं, सकलैन हमारे रेगुलर व्यूअर हैं, जब से हमारी ट्रांसमिशन स्टार्ट हुई है हर दिन सकलैन हमारे साथ मौजूद होते हैं और कोई ना कोई चीजें पूछते हैं। व्हाइल टेकिंग दिस अपॉर्चुनिटी, क्वेश्चन फ्रॉम समदा सर, हाउ डू यू टुडे सुप्रीम कोर्ट्स वर्डिक्ट, स्पेशली द ऑब्जर्वेशन एंड रिमार्क्स व्हिच इज अ वे रिफ्लेक्ट देयर अप्रोच टू COVID-19, प्लीज मेक अ कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ द अप्रोचेस बिटवीन फेडरल गवर्नमेंट एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट। सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट क्योंकि अब आ चुका है तो उसके बारे में, जी मैडम आप मौजूद हैं, आवाज आ रही है मैडम आपको? जी ओके मुदस्सर, मैं क्वेश्चन नुसरत साहबा को ब्रीफ कर चुकी हूँ, तो अगर नुसरत साहबा, अगर हाँ मैं तो सुन पा रही हूँ कि अगर आप उस क्वेश्चन पे कमेंट कर सकें तो मैं अपना क्वेश्चन दोबारा ऑन स्क्रीन भी रिपीट कर देती हूँ।
ठीक, नहीं बस ठीक है, मुझे समझ आ गया आपका क्वेश्चन. आपने पूछा था बीइंग द जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ वुमेन विंग सेंटर की, उससे मैं ख्वातीन के लिए क्या काम कर सकती हूँ, है ना. तो इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो ये कि मेरे पास एक्चुअली एक्सपीरियंस बहुत सारा है. मैं 2012 में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट थी वुमेन विंग सेंटर की, और फिर उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट सेंटर, फिर और बहुत सारी चीज़ें, फिर फाइनेंस सेक्रेटरी, फिर उसके बाद प्रेसिडेंट वुमेन विंग सेंट रही. तो सुबह के हिसाब से मेरे पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है और मैंने बहुत काम किया है सेंट के अंदर. मैं आपको बताऊँ, स्पेशली जो हम जब सेंट जाते थे शुरू में, 7-7 8-8 घंटे सफर तय करके, थर, डेरामोरा, जमाली, ढाढ़, कश्मीर, शिकारपुर और पता नहीं कहाँ कहाँ, ऐसे ऐसे शहरों में जिसके नाम भी मुझे पहले नहीं पता, और आप यकीन से बाहर नजर नहीं आती. जब कनक का जलसा हुआ, उसमें पहली दफा ऐसा हुआ कि लोकल खवातीन बाहर नजर आई, और इस कदर खुश थे हम कि हमने बड़ी विक्ट्री हमारी हो गई कि हम औरतों को बाहर लेके आए. वहां पे जो हालत है खवातीन, आप सोच नहीं सकती. पावर्टी तो अपनी जगह पे है, हर बंदे को पता है कि पावर्टी कितनी ज्यादा है वहां पे, लेकिन उसके जो है वो आप ही समझें कि सारा बर्डन औरत के ऊपर है कि वो सुबह 6-4 बजे उठ के बाहर में जाए, जाके सारे करेगी, फिर घर का नाश्ता बनाएगी, फिर खेत का काम करेगी, फिर दोपहर का खाना, और फिर सारी चीजें, और उसका रिवॉर्ड उसे बिल्कुल किसी चीज का नहीं मिलता. कि यानी आप ये कहें कि एक्नॉलेज किया जा रहा हो कि उसने क्या किया है और क्या कर रही है या क्या करना चाहती है, वो चीज है ही नहीं. ना उसकी हेल्थ के बारे में कोई केयर है, ना उसकी एजुकेशन, तो बहुत दूर की बात है कि उसको सेफ्टी नहीं है किसी किस्म की. और मतलब इतनी ज्यादा बुरी हालत है सिंध की खवातीन की कि मैं पंजाब का, जाहिर है मेरे पास बहुत सारा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन वहाँ पे फिर भी शायद थोड़ा बहुत हालात बेहतर हों, लेकिन यहाँ औरत की हालत बहुत बहुत ज्यादा खराब है. हमारा उस वक्त भी मिशन यही था, और अभी भी मैं ये चाहूंगी कि हम हर डिस्ट्रिक्ट में, हर डिविजन में जाके कम अज कम छोटी छोटी जगहों पर डिस्पेंसरियाँ खोलें, ऐसी चीजें जो औरत की हेल्थ के हिसाब से हो. क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान में हर 2 मिनट बाद एक माँ और बच्चा फौत हो रहा होता है. क्यों? सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि उसको खुराक नहीं मिल रही, सही खुराक नहीं मिल रही. जब माँ तो नहीं मिल रही तो बच्चे को कहाँ से मिलेगी? और फिर अगर बच्चा हो जाता है तो दूध पिलाने के लिए माँ के पास कुछ नहीं होता, क्योंकि उसके उसको खुराक नहीं मिल रही होती. तो ये वो चीजें हैं जिनके ऊपर इंतहा जोर देना है. देखिए, एजुकेशन बाद में आएगी, बाकी चीजें बाद में आएंगी, सबसे पहले उसकी हेल्थ है. जब तक माँ की हेल्थ ठीक नहीं होगी, उस वक्त तक बच्चे की हेल्थ ठीक नहीं होगी, और हेल्थ ठीक नहीं होगी तो बच्चा ग्रो ही नहीं कर पाएगा, ना फिजिकली ना मेंटली. तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज मेरी नजर में इस वक्त क्या, पिछले 20 साल से यही है कि कम अज कम खवातीन को उनकी हेल्थ की केयर दी जाए, उनको ये बताया जाए कि उन्होंने किस तरह अपनी हेल्थ का केयर करना है, स्पेशली उनके मर्दों को. क्योंकि होता यही है कि आप ये देखें, घरों में आप जाएं, जब बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाया जाता है, बेटे को, बेटी को ऐसे नॉर्मल स्कूल में पढ़ाया जाता है, ये अच्छे पढ़े लिखे घरों की बात बता रही हूँ मैं, फिर उसके बाद खाने के लिए बेटे को अच्छा दिया जाएगा, बेटी को कम बोटियाँ दी जाएंगी, या दूध उसे 4 टाइम दिया जाएगा तो बेटी को 2 टाइम. इस तरह की ये सेग्रीगेशन ये हमारे माशरे में पाई जाती है. हम बेटी को, औरत को एक लोअर तबके की चीज़ समझ रहे होते हैं. तो मेरा हमेशा से ये है कि मैं खवातीन को किसी तरह इतना उनको अवेयरनेस दे दूँ कि वो अपना ख्याल रखें खुद से, क्योंकि हस्बैंड्स को या भाइयों को या बापों को बताने से फर्क नहीं पड़ता. वो लोग उसको वही दूसरे दर्जे की शहरी समझते हैं और वही समझते रहेंगे सारी उम्र. ये वो माशरा है जो मर्दों का माशरा है. ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, पूरी दुनिया मर्दों का माशरा है. इसमें कोई ऐसी बात नहीं, अल्लाह ने भी उनको हमसे ऊपर रखा है, इस बात को एक्नॉलेज करने में कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उनको भी हमें इंसान समझना है, हमें एक प्रोडक्शन मशीन नहीं समझनी, हमें हमें हकूक देने. और उसके लिए इंशाल्लाह जितना मैं काम करती रही हूँ उससे बढ़ के अब करूँगी. थैंक यू सो मच. मैडम, ओके, आपको आवाज आ रही है मेरी? हेलो, बस ऐसी टूट के आ रही है, मैं समझ आ आपसे गई कि क्वेश्चन. आपने कहा. मैडम, आपको आवाज आ रही है? जी, मैडम, आपको आवाज क्लियर है? अब अगर नहीं आप है. साफ से अगर कुछ क्वेश्चन दे दें ताकि मैडम उसको रीड करें, फिर उसका आंसर. मैडम, ये क्वेश्चन रीड करें. मैं पढ़ लूं? जी, बेसिकली सकलैन अब्बास साहब जो हैं हमारे रेगुलर व्यूवर हैं, और इन्होंने हमसे एक सवाल पूछा है कि पीटीआई गवर्नमेंट के बारे में बताएं कि पॉलिसीज और ये कैबिनेट की जो शिफ्टिंग है,
क्यों हो रही है, क्योंकि बहुत कैप्टन एक को सिंपल शिकार करने का तो ऑप्शन है, लेकिन इतनी ज्यादा चेंजेस सा क्यों? जी, राजा जी बताइए। मेरी बात सुन ले, मैंने पढ़ लिया आपका, ठीक है, मैंने आपका क्वेश्चन पढ़ लिया कि रीशफलिंग बहुत ज़्यादा क्यों हो रही है और टीम को क्यों बार बार चेंज किया जाता है। देखिए, आपको पता है कि हम इससे पहले पॉलिटिक्स में नहीं थे, कोई भी नहीं था हम में से, हार्डली वो लोग जो बाहर से आए हुए उन्होंने आके पार्टी को ज्वाइन किया है, तो खान साहब समेत हम लोग पॉलिटिशियन नहीं है, एक्चुअली हम लोग पॉलिटिशियन नहीं है, हम सारे आप ये समझे कि एम्पैथेटिक हार्ट के साथ आए हैं कि वी वांट टू वर्क फॉर द पीपल। आपको पता है आपका प्राइम मिनिस्टर भी बिल्कुल ऐसे ही है, हर वक्त चक्कर लगा रहा होता है, अभी भी पता नहीं कहाँ खड़े थे, अभी मैं देख के आ रही हूँ टीवी पे कि वो और सानिया नरसा साहिबा किसी एहसास पैसों का हिसाब किताब देख रहे थे, जो ख्याल हाँ किया जा रहा है कि नहीं। तो उसमें होता ये है कि जब आप एक रखते हैं अपना मिनिस्टर या एडवाइजर या कोई भी कैबिनेट का मेंबर, जिस तरह भी है, वो उसको आप देख रहे हैं काम करता हुआ और आपको नजर आ रहा है 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में कि वो ठीक नहीं कर पा रहा, तो फिर आप सोचते हैं कि इसको चेंज कर दूं मैं, इससे पहले कि ये मजीद गड़बड़ हो, इससे पहले कि मजीद वक्त ज़ाया हो, मुझे ऐसा बंदा ले आना चाहिए जो शायद अच्छा काम कर ले, क्योंकि एक्सपीरियंस तो ऑलमोस्ट लोगों के पास नहीं है, हमारे स्पेशली हमारे पीटीआई के लोगों के पास जो बाहर से आए हैं, जैसे फिरदौस चौहान थी या फवाद चौधरी हैं या उस तरह के और लोग हैं, इनके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है और बहुत सारी पार्टीज़ का एक्सपीरियंस है, तो ये लोग जो बात कहेंगे जो करेंगे उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर भी सुनते हैं उनकी बात, उनके एडवाइस के ऊपर भी अमल करते हैं, लेकिन उसके अलावा आप देखें कि शुरू में असद उमर साहब को हटा दिया गया क्योंकि वो एक्सपेक्टेशन पे लग रहा था कि पूरे नहीं उतरेंगे, तो अब लेकिन आस्ता आस्ता चीज़ें सेटल हुई, अब माशाल्लाह वो बहुत अच्छी पोजीशन में हैं, बल्कि हर वक्त गवर्नमेंट के लिए बोल रहे होते हैं, गवर्नमेंट के काम बता रहे होते हैं यहाँ के टीवी पे सब कुछ, और बहुत जहीन आदमी है वो, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन ये चेंज है ना, ये यू टर्न नहीं है, ये चेंज जो है ये बेटरमेंट के लिए है, वो लोग जो नज़र आता है कि अब काम नहीं कर रहे हैं या इस काबिल नहीं है कि वो इस चीज़ को एंड तक पहुंचा सकेंगे, तो उनको चेंज कर दिया जाता है, इसमें कोई बुराई नहीं है मेरे ख्याल में, सवाय इसके कि टाइम थोड़ा सा ज़ाया हो रहा है, लेकिन एक्सपीरियंस होगा तो आगे बात बनेगी। परफेक्ट सर, आपको आवाज आ रही है क्लियर, आपने बड़ा क्लियरली अपना मौकफ दे दिया है। सपना से एक और क्वेश्चन स्क्रीन पे हाजिर है, अगर आप उसे चेक कर लें और अगर जो है वो सिलसिले में अपना आंसर हमें दे सके। ओके, मैं पढ़ के भी सुना देती हूँ। अपार्ट फ्रॉम फ्यू डिफरेंसेस, वन ऑफ द क्रेडिट ड्यू ऑन खान साहब दैट ही मोबिलाइज्ड अली एजुकेटेड फ्रेटर्निटी स्पेशली वुमेन इनटू पॉलिटिक्स एंड प्लेड पार्ट वुमेन लाइक नुसरत वाहिद एंड मोहतरमा जहरा शाहिद whose 8th anniversary also falls today are such example. Thank you so much, Saklan Abbas, for this wonderful comment. I guess कि अगर नुसरत हवाले से कुछ मौका देना चाहें, ठीक थैंक है यू अगर सो मच, आप। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सारापा से मुझे मिला दिया, सारापा तो बहुत बड़ी हस्ती थी, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन देखें प्राइम मिनिस्टर सर, साहब जो है ना वो, जी प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो खवातीन की को अपनी कैबिनेट में आपने देखा है, सरताज गुल उनके साथ होती हैं, शीरी मजारी उनके साथ होती हैं, इससे पहले मुन्नसा साहिबा थी वो होती थी, उसके अलावा अभी भी जुबैदा जलाल हैं और भी बहुत सारी औरतें हैं जो कैबिनेट में मौजूद हैं और काम कर रही हैं, और दे केपेबल ऑफ डूइंग थिंग्स, बहुत पढ़ी लिखी, बहुत पढ़ी लिखी माशाल्लाह, शीरी मजारी जिस तरह बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी खातून है और बहुत बहुत इंटेलिजेंट हैं, और जब मैंने उनके एक दो लेक्चर्स अटेंड किए हैं, जो लेक्चर्स ही मैं उनको कहूँगी इसलिए कि वो इसे कोरोना वायरस से पहले की बात है जब वो हमें बजट के ऊपर बता रही होती थी और इस तरह की चीज़ें, बहुत ज़्यादा जहीन खातून हैं और बहुत अच्छा बोल रही होती हैं, तो देखिए खान साहब किसी ऐसे हर एक को नहीं उठा के अपनी कैबिनेट में शामिल कर सकते या औरतों को, लेकिन वो औरतों को दे रहे हैं, ऐसा नहीं है कि औरतों को पीछे रखा जा रहा है। पार्लियामेंट सेक्रेटरी आप देखें, हमारे पास पार्लियामेंट सेक्रेटरीज कम से कम 16 या 17 पार्लियामेंट सेक्रेटरीज हैं, जिसमें जो जिसमें से 14 या 15 खवातीन हैं, बहुत बड़ी तादाद है पार्लियामेंट सेक्रेटरीज की जो खवातीन हैं और काम कर रही हैं, तो ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ खवातीन को प्रेफरेंस नहीं दी जा रही है, उनके बारे में नहीं सोचा जा रहा है, ये उनको काम नहीं दिया जा रहा है, ऐसा हो रहा है कि उनको काम भी मिल रहा है और सब कुछ वो लोग कर भी रही हैं बहुत अच्छे तरीके से। थैंक यू।
चूंकि टाइम हमारा एंड हो चुका है, 6 बज चुके हैं, बातें तो डेफिनेटली आपने बहुत माशाल्लाह जो कि शुक्रिया। आप वोकल बहुत सारी इसके अलावा भी करनी थी एज एन आमदे, लेकिन डेफिनेटली टाइम बड़ा महदूद होता है, आप लोग का टाइम भी बड़ा कीमती होता है, आप लोग फिर भी टाइम निकाल कर इसका ट्रांसमिशन का पार्ट बने। आप मैं और मुदस्सर आपके दोनों लिए तो हर आपके वक्त थैंक हाजिर हूँ। यू सो मच सर, दैट्स सो काइंड बहुत ऑफ योर नेचर। बहुत बहुत सो शुक्रिया, बहुत दिस इज द टाइम टू से गुड बाय टू ऑल द पाकिस्तान न्यूज व्यूअर्स हियर। थैंक यू नुसरत वंस अगेन, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ठीक है, जब वो साइन ऑफ हो गए थैंक यू। इंशाल्लाह तारा कल दोबारा हाजिर होंगे और रिक्वेस्ट होगी कि आपकी रिक्वेस्ट थी तो आप म्यूचुअली को भी एड्रेस कर सकें। थैंक यू नुसरत, टेक केयर, बाय बाय।